नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने देश में पहली बार चार खाली मालगाड़ियों को जोड़कर एक साथ चलाकर नया कीर्तिमान बनाया है। इस ट्रेन को शेषनाग का नाम दिया गया है। देखिए, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने देश में पहली बार चार खाली मालगाड़ियों को जोड़कर एक साथ चलाकर नया कीर्तिमान बनाया। 2.8 किलोमीटर लंबी इस ट्रेन को शेषनाग का नाम दिया गया। गुरुवार को दोपहर 12 बजे SECR के नागपुर रेल मंडल के दुर्ग के समीप परमल कसा रेलवे स्टेशन से कोरबा के लिए रवाना किया गया। 9 इंजन के साथ 251 खाली रैक के साथ शेषनाग नाम से चलाई गई इस मालगाड़ी को बिलासपुर पहुंचने में 4 घंटे लगे। शाम 4:30 बजे वह बिलासपुर से होकर कोरबा के लिए रवाना हुई। 250 किलोमीटर का सफर इस ट्रेन में 6 घंटे में पूरा किया। शेषनाग ने ये दूरी औसत 65 किलोमीटर की स्पीड से पूरी की, लेकिन भिलाई से भाटापाड़ा के बीच इसने 80 किलोमीटर की स्पीड से दूरी तय की। ट्रेन में आगे 3 इंजन और इसके बाद 2-2 इंजन सहित कुल 9 इंजन लगाए गए थे। शेषनाग ट्रेन को परमलकसा से भिलाई तक एक टीम ने, फिर भिलाई से कोरबा तक का सफर दूसरे लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और गार्ड ने पूरा कराया। मालूम हो कि 2 दिन पहले ही बिलासपुर मंडल के लचकुरा रेलवे स्टेशन से चक्रधरपुर तक 225 किलोमीटर 174 लोडेड वैगन के साथ एनाकोंडा चलाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज़।